तो दोस्तों आज हम साकर पात्राड़ नाम के गांव में हैं। ये गांव गुजरात के डांग ज़िले में है और बेहद खूबसूरत इलाका है ये। बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, लेकिन आज हम जहां मौजूद हैं ये नाहरी नाम का एक भोजनालय है। तो शांता बेन, क्या क्या बनाते हैं आप, पहले ऐसे बता दीजिए, मुझे दिखाइएगा बाद में, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? नागली रोटली, नागली की रोटली माने नागली की रोटी, हाँ, उड़द की दाल। उड़द की दाल, तो अब खाना बनाने का प्रोसेस शुरू करना है। आप देख सकते हैं कि ये टोकरी में टमाटर, अदरक और ढेर सारी हरी मिर्ची हैं। उसके बाद उनके हाथ में उन्होंने अदरक छील के ले लिए, लहसुन है और उन्होंने हरी मिर्ची निकाल ली है। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? लहसुन और आलू। चलिए शुरू कीजिए। नमक और मिर्च मिला के एक साथ कूटेंगे, ठीक है। तो अब उड़द की दाल की तैयारी है। सबसे पहले उड़द की दाल बॉयल करनी है। आमतौर पर भिगोने में बॉयल करते हैं चूल्हे पे, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि प्रेशर कुकर में ही कर लें इसको, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो लीजिए, तो उड़द की दाल प्रेशर कुकर में चढ़ा दी गई है और जाहिर है इसमें कुछ समय लगेगा, दो तीन, कितनी सीटी लगाते हैं इसमें? दो तीन, तीन सीटी कम से कम इसमें लगेंगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक डांग के बारे में अगर बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि डांग बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत ज़िला है गुजरात का। यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है ये, और यहाँ पर तीन जनजाति, तीन आदिवासी जो हैं वो मेजर ग्रुप हैं। उनमें भील हैं जो काफ़ी बड़े इलाके में गुजरात के मिलते हैं, वारली एक और मेजर ग्रुप है यहाँ पर जो रहते हैं डांग में, और उसके अलावा कोंकणी आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। अभी खोलने में टाइम लगेगा ना? तो उड़द की दाल उबल चुकी है, कई सीटियां लगी हैं और आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में कि उसका पानी लगभग ख़त्म हो चुका है, और वो बार बार बीच बीच में कुकर को हिला के देख रही थी कि उसमें पानी तो नहीं है। और जब उनको उनको ये आश्वासन हो गया, वो आश्वस्त हो गई, अश्योर हो गई कि पानी उसका ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने उसको उतार लिया है, थोड़ी देर उसको रखा, खुलने दिया, उसका प्रेशर निकलने दिया,
और अब आगे इसमें ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। हाँ। जी मिला दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि वो हरी मिर्च नमक के साथ जो कूटी गई है वो इसमें मिला दी गई है। इसमें लहसुन भी डाला है? हाँ। अच्छा, लहसुन भी इसी में डाल दिया है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें लहसुन, हरी मिर्ची और नमक का पेस्ट डाल के उसको बहुत अच्छे से घोट रही हैं चमचे के सहारे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इस दाल के लिए, इससे इसका स्वाद तय होता है, क्योंकि इससे इसकी कंसिस्टेंसी तय होती है, क्योंकि इसको रोटी के साथ खाया जाता है, इसलिए इसको बहुत पतला नहीं बनाया जाता है। तो ये तैयार है या इसमें पड़ गए? तो ये तैयार है पूरी तरह से दाल। तो अब उड़द की दाल भी तैयार है जो रोटी के साथ खाई जाएगी। और इसका प्रोसेस का अगर रिकैप बहुत ब्रीफली मैं करूं, तो सबसे पहले उड़द की दाल को बॉयल किया गया, और उसको अच्छे से बॉयल होने के बाद, और उसमें ये आपने देखा होगा कि बार बार वो कुकर को हिला के देख रही थी कि उसमें पानी तो नहीं बचा, तो ये ध्यान रखना है कि पानी पूरा ख़त्म हो जाए लेकिन जले ना दाल, इस बात का भी ख्याल रखना है। जैसे मैंने कहा कि ये तजुर्बे की बात है, खाना बनाना सिर्फ कला नहीं है, ये एक शौक़ भी होता है और उसमें तजुर्बा बहुत मैटर करता है। उसके बाद जब प्रेशर ख़त्म हो जाता है, उड़द की दाल खोल ली जाती है, तो उसके बाद जो लहसुन, हरी मिर्ची, नमक मिला के जो कूट के पेस्ट बनाया गया है उसको उस दाल में डाला जाता है और बहुत अच्छे से उसको मिक्स किया जाता है, घोटा जाता है, और ये दाल पूरी तरह से तैयार है। इसमें किसी तरह के तेल या मसाले का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ नमक, हरी मिर्च, लहसुन और उड़द की दाल। और इस तरह से ये यहाँ की डांगी खास उड़द की दाल तैयार हो जाती है। और अब इसके बाद चावल और नागली की रोटली या रोटला, यानी कि फुलका या बड़ी जो रोटी बनती है, उसकी बारी है, और उसके बाद खाना तैयार है। इस पूरे प्रोसेस में अभी तक करीब करीब 20 से 25 मिनट लगे, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऑफ़ कोर्स इनका जिस तरह का एक्सपीरियंस है, रोज़ का उनका काम है, हमें और आपको थोड़ा सा समय शायद ज़्यादा लगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आटा? हाँ, तो ये रागी का आटा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इसको यहाँ नागली का आटा बोला जाता है, उसको गूंदा जा रहा है, ठंडे पानी से ही गूंदा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर मक्के या बाजरे का जो आटा होता है उसको गर्म पानी से गूंदा जाता है रोटी बनाने के लिए, इसको ठंडे पानी से ही गूंदा जाता है। तो आटा टाइट रखते हैं कि नरम रखते हैं? टाइट टाइट रखते हैं। तो ये रागी का आटा, जिसको यहाँ नागली का आटा कहा जाता है, वो गूंद के तैयार कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत काफ़ी देर तक इसको मांडा गया है, इसको बार बार उलट पलट के अच्छे से इसको तैयार किया गया है, और इसको बहुत नरम नहीं करना है, इसको इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रहनी चाहिए, थोड़ा टाइट आटा होना चाहिए, ये इन्होंने बताया है। जी लीजिए। तो आपने देखा कि नागली की रोटी किस तरह से उन्होंने बेली है,
देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जो आम तौर पर रोटी बनाते हैं या बनाती हैं उनके लिए भी पानी के हाथ की रोटी बनाना आसान नहीं होता है। ये एक ख़ास किस्म की आर्ट होती है जिसमें लगातार पानी के हाथ से उसको घुमाना पड़ता है। इसको इस रोटी की खासियत ये होती है कि ये रोटी बहुत नरम होती है। पानी के हाथ की रोटी जिन्होंने भी खाई होगी वो जानते हैं कि इस रोटी की खासियत ये होती है कि इसमें आटा नहीं लगाया जाता है, बल्कि पानी से इसको हाथ को एक तरह से ग्रीस किया जाता है और उसके बाद उस रोटी को बनाया जाता है। एक्स्ट्रा आटा इसमें नहीं लगाया जाता है, सूखा आटा इसमें नहीं लगाया जाता है। ये रोटी बहुत नरम बनती है, और लेकिन हर एक के बस की इस रोटी को बनाना नहीं होता है, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई किया जाए नागली का रोटला, यानी कि नागली की रोटी। पानी के हाथ से बनी हुई रोटी है, और उड़द की दाल जो यहाँ की बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं कि बहुत पतली नहीं है, बहुत, और इसमें कोई तड़का नहीं लगाया, कोई मसाला नहीं है। कमाल का है उड़द की दाल का ऐसा स्वाद कहीं और मिलना असंभव है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़द की दाल बहुत शौक से खाई और खिलाई जाती है अपने मेहमानों में, शादी ब्याह में खास मेहमानों को उड़द की दाल पेश की जाती है, लेकिन इस उड़द की दाल का स्वाद बिल्कुल अलग है। शायद उसकी एक तो वजह यह है कि यहाँ की पहाड़ी ढलानों में बिना किसी फर्टिलाइज़र के ये दाल बनी है। मिर्ची आपने बनते हुए देखा था, मिर्ची का डोमिनेंट है स्वाद इसमें, तेज़ है मिर्ची, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप खा ना सकें। लहसुन है, ना कोई तेल है, ना कोई मसाला है, कुछ नहीं है, बहुत ही हेल्दी दाल है। और लेकिन यहाँ के लोग, जो डांग के लोग हैं, वो आम तौर पर ये जो कुटी हुई लाल मिर्ची है इसको इसमें डाल लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार। जैसे आप चिली फ्लेक्स डालते हैं पिज्ज़ा या बाकी चीज़ों पर, इसी तरह से यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का बहुत इस्तेमाल होता है, और तमाम, चाहे वो आप राइस दाल खा रहे हैं, रोटी दाल खा रहे हैं, उसमें खूब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुटी हुई मिर्च का।